हेलो फ्रेंड्स यार, आप लोगों के बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो भाई आज मैं आप लोगों के लाया हूँ 10 ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अकाउंटेंसी क्लास 12th बोर्ड्स 2019 के लिए। सो माय नेम इज सर्ज एंड टुडे वी विल डिस्कस अकाउंटेंसी 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लास 12th। तो भाई जो पहला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कुछ इस तरीके से कि भाई एनके लिमिटेड एक ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल 1 करोड़ है। 1 करोड़ डिवाइडेड टू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो भाई यहाँ पे आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ। आप हमारी अप्रोच क्या रहेगी, हमारी अप्रोच ये रहेगी कि आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लोगे, मैं आपको हर क्वेश्चन बताऊंगा आपको करना क्या है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस करना। ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, आप लोग इन्हें प्रैक्टिस करोगे आप लोग काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो भाई हमारी अप्रोच ये रहेगी कि आप लोग स्क्रीनशॉट लोगे और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। तो भाई हर क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको करना है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको शेयर कैपिटल निकालनी है जो कि आपको बैलेंस शीट में प्रेजेंट करनी है एज पर द स्केड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो भाई अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो बैलेंस शीट के क्वेश्चंस एज पर द स्केड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 आपको पिछले सालों के पेपर में देखने को मिलेंगे। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर लोगे तब भी आप लोगों की बैलेंस शीट काफी हद तक क्लियर हो जाए, क्योंकि वो लोग आपसे शेयर कैपिटल के बारे में ही पूछते हैं बैलेंस शीट में। फिर भी आप लोग बैलेंस शीट से रिलेटेड कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो भाई डेथ से है। यहाँ पे भाई 3 बंदों की बात हो रही है, प्रणव, करण और रहीम। इन तीनों का मैंने आपको डेटा दे दिया, आपको करना है आपको स्क्रीनशॉट लेना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको करण का कैपिटल अकाउंट बनाना है जो कि उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को मिल जाएगा। तो भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, समझना और अटेम्प्ट करना, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा यूजफुल है। थर्ड जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर अकाउंटेंसी क्लास 12th वो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है। भाई ब्लैंक्स को आपको फिल करना होता है, ये ट्रेंड में चल रहे हैं, पिछले कई सालों में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। तो भाई इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को तो अच्छे से सॉल्व कर लेना। फोर्थ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो है प्रोराटा अलॉटमेंट का। भाई प्रोराटा अलॉटमेंट के क्वेश्चन जितने ज्यादा करते हो उतने ज्यादा आपके लिए यूजफुल रहते हैं। और ये वो वाला क्वेश्चन इसमें एप्लीकेशन पे प्रीमियम है और अलॉटमेंट पर भी प्रीमियम है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो भाई इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और याद रखना है, आप इन्होंने बोला हुआ है कि आपको कॉल इन एरियर्स और कॉल इन एडवांस दोनों अकाउंट ओपन करके दिखाने हैं। मतलब जब भी आप जनरल एंट्रीज पास करोगे तो कॉल इन एरियर्स और कॉल इन एडवांस वर्ड यूज होना जरूरी है। फिफ्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट का है। तो भाई कॉमन साइज स्टेटमेंट इसकी बना लेना, ये एक बैलेंस शीट है एज 31 मार्च 2018 की। तो भाई इसका आप लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट बना लेना। सिक्स जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल क्वेश्चन रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से, जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो भाई क्वेश्चन आता है 3 से 4 मार्क्स का, तो आप लोग इजीली इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो भाई ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, एक गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 6 जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से है। भाई यहाँ पे कुछ ऐसा है कि जो डी है वो नया पार्टनर एडमिट हो गया है और कुछ एडजस्टमेंट्स उसके एडमिशन के बाद हुई हैं, तब सारी की सारी एडजस्टमेंट्स को अच्छे से सॉल्व करना। भाई इस क्वेश्चन को हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में इसलिए रखा है क्योंकि ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला पार्ट है और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व करना। जो 8th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, विकास, विशाल एंड वैभव वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ऑन 31 दिसंबर 2015 वैभव डाइड। ऑन दैट डेट हिज कैपिटल अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 3,80,000 एंड गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 1,20,000। देयर वॉज अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹50,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वैभव शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ हिज डेथ वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर्स लास्ट 5 ईयर्स। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स वॉज दिस। तो भाई इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको वैभव का शेयर निकालना है प्रॉफिट का जो कि उसके डेथ तक का है और जनरल एंट्री को पास कर देना। तो भाई ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका कुछ इस तरीके से है। भाई यहाँ पे आपको बता रखा है कि एल और एम दो पार्टनर है, उनके बीच में कुछ दिक्कत हो गई, तो भाई इन्होंने क्या किया, इनको डिसोल्यूशन करने की नौबत आ गई। भाई डिसोल्यूशन करनी है अगर इन लोगों को तो ये एडजस्टमेंट्स आपको करनी है।
तो ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको अकाउंट्स की जगह आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है। भाई सीबीएसई का फंडा कुछ इस तरीके से हो गया है कि अकाउंटेंसी में आप लोगों का जहां पे आप पहले अकाउंट्स बनाते थे वहां पे जनरल एंट्रीज पास कराते हैं, और जहां पे आप लोग पहले जनरल एंट्रीज बनाते थे वहां पे आप लोगों से भी अकाउंट्स बनवाते हैं। तो भाई ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में जो है वो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आपको रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की रिवेल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों बनाने हैं। तो भाई रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया है शेयर्स, लाइक अगर प्रॉफिट चेंज रेशियो चेंज कर दिया है या कुछ वैल्यूज चेंज हो गई है तो भाई फर्म को क्या इफेक्ट होगा, तो आप ये वाला क्वेश्चन भी जरूर जरूर करना। ये 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा आपको अकाउंटेंसी में अच्छा स्कोर कराने। भाई तो मैंने आप लोगों को 10 ऐसे क्वेश्चन बता दिए हैं जो बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे आपको अकाउंटेंसी में अच्छा स्कोर कराने में। साथ साथ भाई अगर मैं थ्योरी क्वेश्चंस की बात करूं तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस फॉर अकाउंटेंसी क्लास 12th, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको जाके देखना और सारे के सारे 11 क्वेश्चंस को पेन डाउन कर लेना। सो आई होप आप लोगों को भाई समझ आ गया है कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस को एग्जाम में अटेम्प्ट करना है और किस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करोगे अभी। तो भाई इन सब क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेना, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, और कोई भी दिक्कत आती तो ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट है 8800797331, मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू।